सबसे पहले यहाँ पे होता है हमारा इन्वेंट्री ट्रेसेबल प्रोसीजर। हमारे पास एक प्रोसीजर होना चाहिए जिससे कि हम लोग अपनी इन्वेंट्रीज को ट्रेस कर पाएँ, अपनी इन्वेंट्री को ट्रैक कर पाएँ। ये थोड़ा एक भारी भरकम शब्द हो गया, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे एक पार्ट आ जाता है हमारा स्टोरेज, दूसरा आ जाता है हमारी ऑर्डरिंग का। ऑर्डरिंग से मेरा मतलब है कि आपको सिर्फ उतना ही ऑर्डर करना है जितना कि आपको ज़रूरत है। हमेशा आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, आपको एक मंथ तक का ही जो कि रॉ मटेरियल है आपका, आपको ला के रखना है। क्योंकि आपको मालूम है हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया की जो वेदर कंडीशन होती है वो बदलती रहती है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट का अगर आप रॉ मटेरियल ला के रखते हो तो उसकी जो ख़राब होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपके पास प्रॉपर स्टोरेज है, आपके पास प्रॉपर स्टोरेज की जगह है तो आप ज़्यादा ला के रख सकते हो। पर मैं अपनी तरफ से बोलूँगा कि एक मंथ से ज़्यादा कभी भी आपको रॉ मटेरियल का ऑर्डर नहीं करना है। दूसरा, आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है जो आप ऑर्डर कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपके पास नहीं होना चाहिए, आपको एक यहाँ पर एक सिस्टम बनाना पड़ता है। अब इस इन्वेंटरी ट्रेसेबल प्रोसीजर के अंदर दूसरा हमारा आता है स्टोरेज का। स्टोरेज से मतलब है कि आपको प्रॉपर स्टोरेज करनी आनी चाहिए, आपकी स्टोरेज इम्प्रॉपर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे दो चीज़ आ जाती है, हमारे रॉ मटेरियल और हमारी कुक्ड फूड, दोनों की स्टोरेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोनों की दोनों ये इफ़ेक्ट करती हैं हमारी फूड की कॉस्ट को। क्योंकि अगर हम लोग कुछ भी चीज़ वेस्ट कर रहे हैं तो वो गार्बेज में जा रहा है, और अगर इसको दूसरे शब्दों में लेंगे तो हमारा पैसा भी हमारा वेस्ट हो रहा है। तो आपको आपकी जो स्टोरेज है उसका प्रॉपर से ढंग ख्याल रखना है जब आप सामान रिसीव कर रहे हैं, और जब आप कुकिंग कर दे रहे हैं उसके बाद जो भी आपका लेफ्ट ओवर बच जा रहा है, जो भी खाना आपका बच जा रहा है, उसको भी आपको प्रॉपर ढंग से स्टोर करके रखना है। तो ये तो हो गया आपका इन्वेंट्री।